नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। एक तरफ 57 देश, दूसरी तरफ भारत अकेला, लेकिन इस्लामिक देशों की इस फौज पर भारत अकेला ही भारी पड़ा और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान और पाकिस्तान को शह देने वाले देशों को अपने जवाब से भारत ने पानी पिला दिया। भारत ने पाकिस्तान को तो फटकार लगाई ही लगाई, साथ ही OIC के 57 इस्लामिक देशों को खूब खरी खोटी भी सुनाई। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान और OIC के 57 इस्लामिक देशों ने भारत पर कश्मीर की स्थिति को बदलने के लिए अवैध एक तरफा कार्रवाई और कश्मीर में जनसंख्या को परिवर्तित करने की कोशिश का आरोप लगाया। फिर क्या था, भारत ने सबसे पहले इस्लामिक देशों को आईना दिखाते हुए कहा, हमें खेद है कि OIC के देश जिनके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है, पाकिस्तान को भारत विरोधी दुष्प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अपने मंच का दुरुपयोग करने से रोकने में विफल रहे। इतना ही नहीं, इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को उसका पुराना अतीत भी याद दिलाते हुए कहा, पाकिस्तान का अपने लोगों के मानवाधिकारों की हिफाजत के मामले में एक खराब रिकॉर्ड है। 50 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, वहां नरसंहार का इतिहास शर्मनाक है, दुनिया जानती है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान की फजीहत का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा, पाकिस्तान का अपने अल्पसंख्यकों के लिए धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करने में सबसे खराब रिकॉर्ड रहा है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और असंतोष को कुचलने के लिए अपहरण, जबरन गायब कर दिया जाना, मनमाने ढंग से हिरासत में लेना और यातनाओं का इस्तेमाल इन्होंने राज्य की नीति के तौर पर किया है। बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र में लोगों ने दशकों से राजनीति और अन्य दमन तथा उत्पीड़न का सामना किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब OIC देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कश्मीर का राग अलापा है। इससे पहले भी इस्लामिक देशों का ये संगठन कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। VK News, राष्ट्र के नाम।